Hi everyone, hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina and once again I am back with a new recipe. तो जो आज की हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही मजेदार, बहुत ही चटपटी. आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी विद मक्खन पाव. Hi everyone and thank you everyone for joining. तो आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी. तो स्टार्ट करते हैं बनाना. और इसके लिए क्या क्या मैं इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ अमूल बटर, अमूल घी या ऑयल, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. मैं अमूल घी यूज कर रही हूँ और साथ में मैंने लिया है अमूल का मलाई पनीर और साथ में कुछ मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया. जैसे जैसे मैं पकाती जाऊंगी, बनाऊंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैं क्या क्या यूज कर रही हूँ. तो स्टार्ट करते हैं बनाना. यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसको गरम करने रखा है. सबसे पहले पैन में मैं डालूंगी एक बड़ा चम्मच घी या तेल. साथ में मैं इसमें डालूंगी अमूल बटर. तो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं ये 20 ग्राम अमूल बटर. तो ये जब हमारा बटर मेल्ट होगा, आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी विद मक्खन पाव. बहुत ही टेस्टी होती है ये रेसिपी. जिस तरीके से हम बाहर ढाबा स्टाइल की पनीर भुर्जी खाते हैं, उसी स्टाइल की हम घर में बनाएंगे. तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज को चॉप कर लिया है. फाइनली यहाँ पर मैंने ये प्याज जो है उसको काट लिया है. 3 प्याज लिए मैंने. इनको मैं अब इसमें ये घी गर्म हो रहा है, बटर गर्म हो रहा है, इसमें हम डालेंगे. जब तक ये गर्म हो रहा है. ओके, हेलो रमेश जी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. आज हम बना रहे हैं सिंपल होममेड सीरीज अमूल के फेसबुक पेज पे. आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी, जिसके लिए मैंने लिया है अमूल का मलाई पनीर, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है. साथ में मैंने यहाँ पर लिया है पनीर. ये होममेड अमूल मिल्क, फुल क्रीम मिल्क से मैंने होममेड पनीर की भुर्जी बनाई है. और साथ में एक चंक्स आने के लिए मैं इसमें छोटा छोटा चॉप करके पनीर भी डालने वाली हूँ इस भुर्जी में. तो ये ऑयल गरम हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट. तो अब इसमें ऐड करूंगी मैं जीरा. यहां पर मैं ऐड कर रही हूं ये 1/2 स्पून जीरा. सबसे पहले इसमें हमने डाला जीरा, ये गरम हो गया, थोड़ा सा और गरम करेंगे. ये जब जीरा अच्छे से सिक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अनियन. तो ये जीरा हमारा सिक रहा है, आई थिंक आपको मैं दिखा दूं. ये पैन गरम हो गया और ये जीरा इसमें गरम हो रहा है और इसी में मैं डाल दूंगी ये अनियन. जब तक ये अनियन हो रहा है, इसको फ्लेम को बढ़ा लेंगे हम. तब तक हम बना लेते हैं पनीर की भुर्जी के लिए मसाला. मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच भुना बेसन. साथ में मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच दही. ये मैंने बेसन में दही डाल लिया इस तरीके से. और इसी में मैं ऐड करूंगी कुछ मसाले. जैसे इसमें मैं 1 चम्मच देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी 1/2 चम्मच.
एक चम्मच किचन किंग मसाला इस तरीके से, और थोड़ा सा आधा चम्मच गरम मसाला, साथ में डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। जब तक प्याज भून रहा है, मैं इसको इन सब मसालों को हम दही और जो ये हमने भुना बेसन लिया है इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सचर बना लेंगे बेसन दही और मसालों का इस तरीके से। हमने बेसन दही और मसालों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसको हम रख देंगे साइड जब तक यहाँ पर प्याज पक रहा है। इसमें मैं ऐड करूंगी एक और बटर, आई थिंक ये बटर थोड़ा कम है तो थोड़ा और बटर डालेंगे जिससे ये और भी बटरी और टेस्टी बने। और इसमें बहुत अच्छा बटरी टेस्ट आए। तो यहाँ पर हमने 40 ग्राम का बटर डाला है और एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाला है, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। उसमें डाला मैंने आधा चम्मच जीरा। और अब इस प्याज को मैं इस बटर और घी में पका लूंगी। जब ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा थोड़ा, तब इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली। अभी हो रहा है, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तब तक देख लेते हैं किस किसने ज्वाइन किया। हेलो दीपक जी, हेलो। एक्चुअली आज मैंने कैमरा को थोड़ा सा पीछे रखा है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ओके। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी विद मक्खन पाव। तो ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा चम्मच तेल या घी, उसमें मैंने डाला है 40 ग्राम ऑफ बटर। उसके बाद मैंने इसमें डाला जीरा और इसमें डाला मैंने 3 प्याज मीडियम साइज के कटे हुए, इस तरीके से ये भुन गए। इसको 5 मिनट्स तक हम कुक करेंगे, तब तक जो अनियन है वो थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, थोड़ा पक जाए। और साथ में मैंने एक मिक्सचर बनाया है, इसमें मैंने यूज किया है भुना हुआ बेसन 1 चम्मच, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें लिया है दही, और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला। इन सब को मिक्स करके मैंने एक मसाला बना लिया है। जब ये प्याज हमारा भुन जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक हरी मिर्च। अभी ये भुन रहा है, विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स। हेलो माधुरी जी, हेलो राजकी जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम हीना है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पेज है हीना वलेचा, आप लोग फॉलो कर सकते हैं उसे। और आज हम अमूल के फेसबुक पेज पर सिंपल होममेड सीरीज जो हम करते आ रहे हैं उसमें मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। जब तक ये प्याज कुक हो रहा है, जस्ट वेट फॉर फ्यू 2 मिनट्स मोर। तो जो अनियन है इसको पकते हुए 5 मिनट होने वाले हैं। ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक। तो यहाँ पर मैंने 3 गार्लिक को ग्रेट कर लिया है और जो जिंजर है 1 इंच जिंजर उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसको अब हम ऐड कर देंगे इस प्याज में।
और साथ में मैं ऐड करूंगी इसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्च। इनको भी हम इसमें पका लेंगे। और इसको एक अच्छा मिक्स देके ये जो हमने मसाला बनाया है इसको मैं ऐड कर दूंगी इस प्याज में। ये जो मक्खन और प्याज का हमारा ये मसाला बन रहा है, इस मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने जो प्याज है उसमें ये जो बेसन और दही का मसाला बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब तक ये भुन रहा है इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। ये मैंने एक बड़ा टमाटर को चॉप कर लिया है और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो मसालों के साथ बेसन और टमाटर ये सब भुन जाएगा, अच्छे से भुन जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये कसूरी मेथी। इस कसूरी मेथी को मैंने दोनों हाथ से मैं क्रश करके डालूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये साथ में भुन भी जाएगी मसाले को। तो बहुत ही अच्छा एरोमेटिक मसाला बन रहा है यहाँ पर, जिससे जो हमारी भुर्जी है वो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अच्छे से इसको भून ले इस मसाले को जब तक इसका ऑयल सारा या बटर सेपरेट ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है और मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए। ये मसाला हमारा पक रहा है, इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे, अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए सब मसालों का और जो टमाटर है वो भी भुन जाए। बहुत ज्यादा नहीं भुनना, बस ये अब हमारा मसाला भी भुन गया है, 1 मिनट और भून लेंगे, अच्छे से पक जाए ये। देखेंगे मसाला कितना अच्छा लग रहा है हमारा। और एक पनीर के अच्छे बाइट्स आए उसके लिए मैं पनीर की भुर्जी के साथ पनीर के पीसेस भी डाल रही हूँ उसमें। तो ये मैंने होममेड पनीर बनाया है अमूल मिल्क से। तो इसको मैंने बॉईल किया, उसमें मैंने 1/2 कप वाटर में 2 चम्मच विनेगर डाला और उसी पानी को मैंने बॉइलिंग जो मिल्क था उसमें ऐड करा। जैसे ही ऐड करा थोड़ा सा स्वर्ल किया, वो दूध हमारा जो पनीर है वो सेपरेट हो गया और उसको मैंने छान लिया और एक कटोरी में रख लिया। तो अमूल फुल क्रीम मिल्क से बनाया, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और मलाईदार ये पनीर है और इसको भी मैं ऐड कर लूंगी अब इस मसाले में। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जो अमूल का मलाई पनीर आता है उसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। भुर्जी के साथ जैसे एक अच्छे पनीर के छोटे छोटे बाइट्स भी आए इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही ये पनीर। और थोड़ा थोड़ा हम इसको हल्का हल्की ना मैश कर लेंगे। जो पैन है इसी में हल्का हल्का लाइक थोड़े मोटे मोटे पीसेस भी रहने चाहिए और साथ में वो एक साथ मिक्स भी हो जाना चाहिए भुर्जी में। ऐसा नहीं कि पनीर के पीसेस पीसेस दिखे, वो एक छोटा एक अच्छा बाइट आने के लिए मैंने इसमें जो पनीर है उसके छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं, वो एक बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देंगे। तो अच्छे से इसको भून लेंगे। आपको मैं एक क्लोजर लुक दिखा देती हूँ, देखिए कितनी अच्छी भुर्जी बन रही है हमारी। कर्ड से पहले ओके, टमाटो आपने पहले डालना था बट ये मसाले जो है हमने रोस्टेड बेसन मसाले और जो टमाटर है हम सबको हमने इकट्ठा भूना है, क्योंकि टमाटर भी हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनने, बेसन का कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसलिए बेसन को हमने पहले से सेपरेटली भून लिया था। और मसालों को बहुत ज्यादा नहीं हमें पकाना होता है, बस एक एरोमेटिक होने तक ही हमें इसे पकाना होता है। ओके
तो हमने ये बहुत सब साथ में डाला है, ये बहुत अच्छा भुन गया है मसाला और बहुत अच्छा इसमें एरोमा आ रहा है। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, लाइक क्वार्टर कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी, थोड़ा सा जैसे सारी चीज इसमें, सारे मसाले और जो बेसन है वो सब घुल मिल जाए इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करना है, हाफ अ कप, और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी, इस तरीके से बनाकर देखिए आपको बहुत पसंद आने वाली है, आई एम श्योर। तो ये जो है पनीर हमारा अच्छे से पक रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें अमूल मक्खन की, आप देखेंगे ये। और अब इसको फिनिश करेंगे हम, साथ में डालेंगे हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देगा हरा धनिया। और इसको भी हम कर लेंगे मिक्स, और मिनट्स में हमारी जो ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी है वो रेडी हो गई है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है मेथड। तो अब ये हमारी भुर्जी रेडी हो गई है, अब मैं दूसरा एक पैन रखूंगी उसमें हम सेकेंगे पाव। अभी जो पाव है इसको मैंने, ये मैंने पाव लिया है लेकिन मैंने इसको एक डिफरेंट स्टाइल से कट करा है, आप देखेंगे इसको मैंने ना पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लिया इस तरीके से, क्योंकि हम मक्खन पाव बनाना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो पाव है वो अच्छे से मक्खन में सिक जाए, तो इसलिए मैंने जो पाव है उसको पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है, जिससे ये बहुत अच्छा टेस्ट बटर का इसमें अच्छे से पूरा अंदर तक चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है अमूल बटर, ओके, वी गेट पनीर भुर्जी मसाला, I always add that I don't like kitchen king masala. Okay. ये अपनी अपनी choices है सबकी, आप kitchen king masala ना use करें तो it's optional. अब मैं कई बार chicken masala use करती हूँ, कई बार meat masala use करती हूँ, तो हर एक से आप experiment करके देखिए, बहुत ही different flavor आता है हर एक मसाले से, एक different twist आ जाता है जो हमारी dish है उसमें। तो यहाँ पर जो मैं एक गरम मसाला ऐड कर रही हूँ वो मेरा होममेड गरम मसाला है इस तरीके से। तो हर चीज जो हर मसाले होते हैं उनके अपने अपने फ्लेवर्स रहते हैं, तो हर एक मसाले के फ्लेवर से अलग एरोमा आना स्टार्ट हो जाता है हमारी डिश में। तो आप लोग अपनी लाइकिंग के हिसाब से जो आपको मसाले पसंद है उनको यूज कर सकते हैं, जो पसंद ना हो उन्हें हटा सकते हैं, बाकी पनीर भुर्जी तो हमेशा पनीर भुर्जी रहेगी। मैं अपने घर में पनीर भुर्जी कम से कम भी 5-6 स्टाइल से बनाती हूँ, 5-6 स्टाइल से बनाती हूँ, और 5-6 फ्लेवर्स पनीर भुर्जी में ही डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हम क्रिएट कर सकते हैं घर में, अपनी रेसिपीज को एक डिफरेंट ट्विस्ट देके बनाइए। तो ये जो हमारा मसाला, ये पाव है, ये भी अब सिक गए हैं, बहुत अच्छे मक्खन वाले पाव हमारे यहाँ पर सिक कर रेडी हो गए हैं। तो अब मैं करूंगी इसको सर्व,
तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक प्लेटिंग प्लेट और इसमें डाल दूंगी मैं पनीर की भुर्जी। हमारी डिलिशियस यम्मी पनीर की भुर्जी, बटरी और सॉफ्ट। भुर्जी है इसको मैंने प्लेट में डाल दिया है और इसी के साथ हम इसको सर्व करेंगे पाव के साथ। यहाँ पर मैंने लगा दिए ये मक्खन वाले पाव और इसको थोड़ा गार्निश करेंगे हम हरा धनिया के साथ। और ये हमारी पनीर भुर्जी विद मक्खन पाव रेडी हो गई। ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसी लगी। मैं कमेंट्स चेक कर लेती हूँ। तो ये हमारी पनीर भुर्जी विद मक्खन पाव रेडी हो गई है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू अमूल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकर हम अपनी रेसिपीज शोकेस करते हैं और ओके डिफरेंट वे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।